नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। सबसे पहले 8 तस्वीरों पर नजर डालते हैं जो सुर्खियां हैं, खबर है। पहली तस्वीर, देश देखने को तैयार है कल अविश्वास प्रस्ताव में होगा क्या, चर्चा होगी, वोटिंग होगी या कुछ निकलेगा। बेरोजगारी भारत मां पर कलंक है, इसका जिक्र किया है रामदेव बाबा ने। लोकपाल चयन समिति में खड़गे नहीं पहुंचे, बैठक अधूरी रही, लोकपाल लगता नहीं है 2019 तक मिल पाएगा। और 2019 से पहले ठंडे बस्ते में FRDI बिल, जिसको लेकर चिंता थी कि बैंक में आपका पैसा जमा है तो क्या होगा। और 100 किलो सोना, 10 करोड़ कैश, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है लखनऊ में, और उसके बाद पता चलता है ये हालत है देश की। और 70 बरस बाद यहूदी राष्ट्र घोषित हुआ है इसराइल। पद्मभूषण नीरज का निधन, कवि गोपाल दास नीरज का निधन, कुछ देर पहले यह खबर आई। और हालात से जूझते मां बेटे सोनाली बिंद्रे ने यह तस्वीर पोस्ट की है जो एक भावुकता की निशानी है, किस तरह से बेटे के साथ उन स्थितियों को गुजार रही है, और इस बात का उन्होंने अपने पत्र में जिक्र किया है। तमाम जानकारियों से अवगत बेटे को करा रही हूं। बहरहाल, मास्टर स्ट्रोक में आज बात क्या हो, कल अविश्वास प्रस्ताव है, एक तरफ भारी भरकम बहुमत है, और भारी भरकम बहुमत का मतलब यह होता है कि अविश्वास प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। 2014 में जो हुआ इस देश के भीतर, 2019 की दिशा में जब बढ़ रहे हैं और 2018 में जब खड़े हैं तो क्या कहें। विपक्ष आंकड़ों के लिहाज से देखिएगा तो एक छोटे से दिए के समान है, और दूसरी तरफ सत्ता जो है वह तूफान की तरह है। तो क्या यह माना जाए ये दिए और तूफान की लड़ाई है, आप कह सकते हैं। स्थिति यही है, और भी जिक्र होगा दिए तूफान का मतलब क्या होता है, लेकिन आइए जरा पर्दा उठाते हैं और शुरुआत करते हैं कल अविश्वास प्रस्ताव में क्या होगा। ये वाकई किसी पर्दे के उठने के समान है। जब मांगे गए 60 महीनों में से 50 महीने गुजर चुके हैं, 10 महीने बचे हैं, और वही मुद्दे सामने आ खड़े हुए हैं जिसका जिक्र 2014 में था, और अब 2019 हर किसी को नजर आ रहा है। 2014 में घोटालों की बात थी, महंगाई का जिक्र था, बढ़ते बलात्कार की चिंता थी, किसान मजदूरों के हक के सवाल थे, कश्मीर में आतंक का जिक्र था, पाकिस्तान से दो दो हाथ करने की बात थी, रोजगार का सवाल था, चीन के घुसपैठ पर गुस्सा था, स्टेपल वीजा को लेकर परेशानी थी, ब्लैक मनी का जिक्र था, स्विस बैंक का नारा था, लोकपाल की मांग थी, और सत्ता पलट। और 2019 की तरफ बढ़ते कदम फिर से मुद्दों का वही चक्रव्यूह लेकर सामने आ खड़े हुए हैं। किसानों की हालत सुधरी नहीं, रेप बढ़ गए, पेट्रोल डीजल की कीमतों ने जेब ढीली कर दी, महंगाई हर दिन की है, कश्मीर के हालात और बिगड़ चुके हैं, पाकिस्तान संभल नहीं रहा, चीन जापान रूस अमेरिका के साथ संबंधों के बीच भारत झूल रहा है, स्विस बैंक फिर से दरवाजा खटखटा रहा है, लोकपाल की मांग अब भी है, भीड़ तंत्र को लेकर गुस्सा है, और आवाज आ रही है यह तो पहले ही था। देश के कई भागों में लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, जिनमें की कई लोगों की जाने गई। ऐसा नहीं है कि विगत कुछ वर्षों में ही लिंचिंग की घटनाएं इस देश में हुई हैं, लिंचिंग की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। यानी 60 महीनों में से 50 महीने बीतने के बाद उसी चौखट पर देश खड़ा है, और कमोवेश हर मुद्दे पर सुनने को मिल रहा है यह तो पहले भी था। और संसद तैयार है उस पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग के लिए, जिसके जरिए हर किसी को लग रहा है कि वो अपनी बातों से देश में विश्वास पैदा कर लेगा, और 2019 उसका होगा। इसी बिसात पर 2019 के लिए नए गठबंधन बनने को तैयार है, 2019 के जरिए छत्रप अपने ताज को खोजने के लिए तैयार है, क्योंकि हर किसी को पता है संसद के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 2019 की उस जमीन को तैयार करेगी जो उसकी ताकत या कमजोरी को उभारेगा। सत्ता को लगता है वो अपनी 4 बरस की उपलब्धियों से विपक्ष में सेंध लगा लेगा, विपक्ष को लगता है वो सत्ता की उपलब्धियों को तार तार कर देगा। यानी हर कोई मानकर चल रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए संसद पहली और शायद इस लोकसभा में आखिरी बार एक ऐसा मंच है जहां से एक दूसरे को खारिज कर जनता का विश्वास पाने का आखिरी मौका है। यानी है यह अविश्वास प्रस्ताव, पर यह जन विश्वास का ऐसे टेस्ट हो चुका है, लगता यही है। पर्दा तो कल सुबह उठेगा जब संसद सजेगी, लेकिन याद कीजिए राहुल गांधी ने कहा था 15 मिनट का वक्त मुझे मिल जाए बोलने के लिए तो फिर मैं दिखाऊंगा। कल 38 मिनट मिलेंगे, शुरुआत उन्हीं से होगी और अंत सत्ता
की ताकत के साथ होगी। एक तरफ तूफान है, दूसरी तरफ दिया है। ये जहन में सवाल होना चाहिए कि होगा क्या, वो कौन से मुद्दे हैं जिसके जरिए कल मथा जाएगा पूरी संसद को, और वो कौन से मुद्दे हैं जिसके जरिए सत्ता ढाल बनकर सामने आकर बताएगी हमारी उपलब्धियां ये हैं। कारपेट देखेंगे या खुरदुरी जमीन देखेंगे, या खुरदुरी जमीन के ऊपर कारपेट का बिछना देखेंगे, जो भी देखिए, लेकिन इस रिपोर्ट को देखकर कल सुनने बैठिएगा टेलीविजन में क्या बहस होती है। सोनिया जी की गणित कमजोर है, वो आंकड़ा नहीं लगा पाती। पूरी तरह से यह सरकार नाकाम हो चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है। भारत के गणित में तो नंबर्स होते नहीं है अपोजिशन के पास। 1996 में शायद उनको ठीक से याद नहीं, 13 दिन की सरकार बनी थी। सांच को आज किस बात का। इस हंगामे, शोर, दावे, प्रतिदावों के बीच 24 घंटे बाद जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, तो सवाल जीत हार का नहीं होगा, सवाल सत्ता जाने या गंवाने का भी नहीं होगा, सवाल विपक्ष की एकजुटता का भी नहीं होगा, सवाल सिर्फ तीन होंगे। पहला, इस बहस में विपक्ष का कौन सा चेहरा उभरेगा जो ताकतवर नजर आए और सत्ता को चुनौती देने में सक्षम हो। दूसरा, बीजेपी के सहयोगी जिन सवालों को उठाएंगे, पर चोट तो सत्ता पर होगी, तो उसे कैसे संभालेगी बीजेपी। और तीसरा, बीजेपी के 100 से ज्यादा सांसदों को एहसास है इस बार उनका टिकट कटेगा, तो वह मुखर होंगे या खामोश रहेंगे। पर कल्पना कीजिए, इस अविश्वास प्रस्ताव को रखने वाले छत्रप चंद्रबाबू नायडू हैं, जो चाहते हैं आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो आज भी संसद की चौखट पर तेलुगु देशम पार्टी के सांसद कुछ इस तरीके से नजर आए। लेकिन यह विश्वास प्रस्ताव शायद संसदीय इतिहास में अपनी तरह का अनूठा है, क्योंकि चर्चा में जो मुद्दे उठेंगे वह एक तो नहीं, दसियों मुद्दे हैं। मसलन, ढहते कानूनी तंत्र पर हावी होते भीड़ तंत्र का जिक्र होगा, संवैधानिक संस्थाओं के तार तार होने का जिक्र होगा, सुप्रीम कोर्ट के भीतर से उठते सवालों का जिक्र होगा, किसानों की खुदकुशी और नोटबंदी के बाद असंगठित क्षेत्र के खासता हालात का जिक्र होगा, बढ़ते बलात्कार और सामाजिक असुरक्षा का जिक्र होगा, दलित मुस्लिम पर होते हमले और पनपती घृणा की राजनीति का जिक्र होगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें और ईरान अमेरिका के बीच झुलती नीतियों का जिक्र होगा, बढ़ती बेरोजगारी और यूनिवर्सिटी के राजनीतिकरण का जिक्र होगा, कश्मीर के बिगड़े हालात और पड़ोसियों से बिगड़े रिश्तों का जिक्र होगा, बैंकों को चूना लगाकर फरार होते रईसों का जिक्र होगा। युवा देखते रह गए, एक तरफ नीरव मोदी बैठा, दूसरी तरफ ललित मोदी और गई गाड़ी। यानी देश के सामने जितने मुद्दे फन काट रहे हैं, जिक्र सबका होना है, और इस कड़ी में छत्रपों की अपनी परेशानी, तो राज्यों से जुड़े सवाल जो संघीय ढांचे को लेकर उठेंगे, जिक्र तो उनका भी होगा। खास तौर से दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल और उड़ीसा में चार अलग अलग पार्टियों की सरकार है, और चारों को लगता है कि उनके हक को केंद्र की सत्ता मार रही है। दिल्ली को लगता है उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा, तो केरल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दरवाजे से चार बार लौट चुके हैं या उन्हें लौटा दिया गया बिना मिले। ममता और नवीन पटनायक का गुस्सा राज्यों को मिलने वाली केंद्र की मदद न मिलने पर है। हमारा पहले जो गवर्नमेंट था उसका कर्जा था, इतना रुपया हमारा ऊपर बोझा है, हमको 2,24,000 रुपया हमको कर्जा देना पड़ा, उसको रिस्ट्रक्चरिंग कभी ना कभी करना चाहिए, नहीं तो स्टेट लोग सब फंस जाएगा। तो इतने सवालों से घिरी सत्ता विश्वास प्रस्ताव में कौन सी बात रखेगी, ये सवाल तो है। जाहिर है तीन रास्ते सत्ता के सामने होंगे। पहला, निशाने पर सीधे कांग्रेस, अतीत की सत्ता जितनी करप्ट थी उससे हम बेहतर हैं, इस बात का खुले तौर पर जिक्र बीजेपी जरूर करेगी या सत्ता करेगी। दूसरा, राष्ट्रीय भावना को उभारना चाहेगी, पहले देश होना चाहिए उसके बाद कोई मुद्दा, यानी किसी भी मुद्दे को लेकर बहस राष्ट्रीयता के दायरे में खिसक ही जाएगी। और तीसरा, हिंदुत्व की सोच को उभारना, यानी थरूर सरीखे वक्तव्य पर सीधी चोट, हर मुद्दे से कैसे जोड़ी जाएगी यह भी देखने को नजर आएगा। से वे हिंदू के साथ तालिबान शब्द का प्रयोग करके हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति और हिंदू विरासत, इन चारों का घोर अपमान कर रहे हैं। यानी 7 घंटे की बहस सुनने के बाद जनता में किसको लेकर कौन सा विश्वास जागेगा, यह तो कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जान लीजिए, सारी बहस पर आखिर में होने वाली वोटिंग हावी हो जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे तमाम मुद्दे चुनावी जीत के साथ काफूर हो जाते हैं, और इंतजार 2019 का हर कोई करने लगेगा, यह सोचकर
कि उसने अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में अपनी बातों को रख दिया और शायद जनता उसे करीब माने तो सत्ता पाने या बचाने का महल भी खड़ा किया जाएगा। बस इंतजार कीजिए, 14 घंटे ही तो बचे हैं। बहुत शोर होगा पार्लियामेंट में, कल हंगामा होगा, कई बार रोका जाएगा, कई बार बोला जाएगा, कोई वेल में भी आएगा, सारी बात कल होगी जरूर, क्योंकि एक तरफ तूफान है, दूसरी तरफ दिया है और हर किसी को नजर आ रहा है वो तूफान बन सकता है 2019 में। लेकिन इन सब के बीच आपके जहन में जब ये सारी चीज रहती है कि कल क्या होगा, कैसे बहस होगी, लेकिन इससे पहले लोग कैसे बहस करते थे किसी भी मुद्दे को लेकर, कौन क्या कहता था, जवाब कौन किस रूप में देता था, जरा उसका एक उसकी एक झलक देखिए। नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए लेके भाग गए, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते, पार्लियामेंट में खड़े होने से डरते हैं। Fraud is taking place in multiple branches of banking system and you don't have a single employee who raises the red flag. Doesn't that become worrisome for the country as a whole? रोजगार का सवाल पूछा जा रहा है, जवाब नहीं दे रहे। मुद्रा बैंक के कारण 10.5 करोड़ युवाओं को 2,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन देने का काम समाप्त कर दिया गया है। उनके पति को जेल में डालकर और जब तक पति जेल में रहेगा उसको कौन खिलाएगा, उसको कौन पिलाएगा, खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा। सुधार जो है ये जरूरी है, कुरीतियों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, ट्रिपल तलाक ये कोई धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों व मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर हर स्तर पर हो रहे अन्याय व अत्याचार भी इस सरकार में ऐतिहासिक तौर पर काफी ज्यादा बढ़े हैं, कोशिश कर रही हैं। इसलिए भारत सरकार चूंकि औपचारिक पार्टी नहीं थी, इसलिए इस पूरे मामले को गंभीरता को देखते हुए ओपन कोर्ट में सुनवाई की जाए। नई व्यवस्था इस देश में आ गई है, टारगेटेड भीड़ तंत्र द्वारा मॉब लिंचिंग हो रही है। यदि कोई गो रक्षा के नाम पर कानून अपने हाथ में ले ले वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज मेरी प्रदेश की महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती। जो दरिंदगी उसके साथ, ये दुर्भाग्य सभ्य समाज के माथे पर कलंक का टीका है। किसान के साथ धोखा है, उस धोखे का पर्दाफाश करने के लिए जुमलेबाजी से किसान का पेट नहीं भरा। आपको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को और क्या कहते हैं सरकार को कि सरकार ने क्या कहते हैं कि जो है ऐतिहासिक कदम उठाया है। अगर इस किस्म की कोई तोड़फोड़ की कोशिश की गई तो मैं समझती हूँ जिस तरह 87 में एक सलाउद्दीन एक यासीन मलिक ने जन्म लिया। हमारी ममता यह है कि कश्मीर में की जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। मोदी जी की सरकार एक ठोस नीति पाकिस्तान के बारे में अपनाएगी। पहली गोली तो पड़ोसी पर नहीं चलनी चाहिए, लेकिन उधर से चल जाती है तो क्या करना, इसका फैसला आपको करना। एनकाउंटर कर देंगे, ये बताइए एनकाउंटर के डर से तो कानून व्यवस्था ठीक हो जानी चाहिए थी। यह बंदर भ्रष्टाचार दुराचार और गुंडा राज की इस लंका को जलाने का कार्य अवश्य करेगा। कौन क्या कहता है, कैसे कहता है, किस रूप में करता है, लेकिन जब जनादेश का जिक्र होता है तो कोई दिया और तूफान नहीं होता है, हर कोई बराबर होता है। और 2019 की लड़ाई में कई फार्मूले हैं, हम आपको जरा तस्वीर और चेहरों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। क्या एक तरफ वाकई एक ऐसी स्थिति है जहां पर एक समय मौजूदा सत्ता है, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, एक तरफ मायावती है जो दलित वोट बैंक को साथ लेकर चलेंगी और दूसरी तरफ एक दूसरा मॉडल, अगर कहीं खतरा मौजूदा सत्ता के अक्ष में नजर आएगा तो योगी मॉडल आएगा, तीसरी तरफ ममता बनर्जी है, क्या जिस गठबंधन को वो नई दिशा में मथ रही है वह भी चेहरा उभर सकता है, लेकिन एक दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में सुषमा स्वराज का भी चेहरा है जो इस मौजूदा वक्त में ऐसे नजर आ रही है कि अगर स्थिति बीजेपी की डामाडोल होती है तो यह चेहरा भी उभर कर सामने आ सकता है। इधर चंद्रबाबू नायडू है छत्रपों में, इन पर सहमति बन सकती है और तमाम सत्ता पार्टी उस मौजूदा वक्त में अगर ये सत्ता में आने की स्थिति में होगी राष्ट्रीय पार्टी तो पीछे खड़ी हो जाएगी। उधर नागपुर से निकले गडकरी मॉडल भी नजर आता है बीजेपी के भीतर का। इधर शरद पवार है जो मैनेज कर सकते हैं सारी चीजों को, कॉरपोरेट से लेकर बड़ी ताकतों को, और आखिरी चेहरा जो किनारे में नजर आ रहा है सत्ता पक्ष का वो अमित शाह का चेहरा है। ये अलग अलग मॉडल्स हैं, पार्टियों के भीतर के मॉडल हैं जिसमें कौन किस रूप में टकराएगा कैसे कोई नहीं जानता है। 2019 तक की स्थिति बन क्या जाएगी, कल से शुरुआत भर हो रही है, लेकिन इन सब के बीच हमारे आपके सवाल क्या होने चाहिए। करप्शन कोई करता है चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, नकेल कसने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, इसीलिए लोकपाल का जिक्र होता। तो और संयोग देखिए आज भी
सब कुछ अधूरा है, बैठक होनी थी, कांग्रेस के नेता खड़गे साहब नहीं पहुंचे उसमें। इसके मतलब मायने जो भी निकालिए, लेकिन इस रिपोर्ट को देखिए। तो लोकपाल की नियुक्ति को लेकर देश का ये अनूठा सच, एक तरफ मनमोहन सरकार से लेकर मौजूदा सत्ता तक कैसे तारीख दर तारीख बैठ के करते हैं पर लोकपाल की नियुक्ति होती नहीं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार बार लोकपाल मामले में बीते दो बरस में पांच बार सत्ता सरकार से कहता है कि लोकपाल की नियुक्ति होती क्यों नहीं, और अब 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फिर लोकपाल पर सुनवाई होनी है। तो उससे पहले आज लोकपाल को लेकर सरकार ने बैठक की, लेकिन निकला क्या यह भी सवाल। तो जरा समूचे सिलसिले को पहले समझ लीजिए, क्योंकि यह भी अपनी तरह का इस देश का पहला मामला है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है और सत्ता बार बार भरोसा दिलाती है पर लोकपाल की नियुक्ति आज तक हुई नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये जरा देखिए। 23 नवंबर 2016 लोकपाल की नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है। 7 दिसंबर 2016 लोकपाल की नियुक्ति के लिए अब तक क्या हुआ। 27 अप्रैल 2017 लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को अटकाया ना जाए। 17 अप्रैल 2018 जल्द से जल्द लोकपाल की नियुक्ति हो। 2 जुलाई 2018 10 दिन में बताएं कब तक बनेगा लोकपाल। लोकपाल के मुद्दे पर 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है। उसके पहले आज सरकार ने सिलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाई जिसमें सर्च कमेटी को चुना जाना था, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले की तरह आज भी इस बैठक का बहिष्कार किया। तो फिर ये सवाल भी उठता है, क्या लोकपाल को लेकर हर राजनीतिक दल सिर्फ दिखावा कर रहा है, क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब वो कैसे लोकपाल के पक्ष में थी याद कीजिए। हजारे जी की ये काम करने वाली जो टीम है उनके साथ भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, इसके लिए हमारी भी कटिबद्धता है। तो उस वक्त लोकपाल की मांग को सही ठहराने वाली बीजेपी को सत्ता में आए 4 बरस बीत चुके हैं, पर लोकपाल कानून बनने के बावजूद देश को लोकपाल अब तक मिला नहीं और सरकार ने इसके लिए कुछ ठोस किया भी नहीं। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने लोकपाल नहीं बनाने का पहला बहाना ये बनाया कि लोकपाल के चयन के लिए नेता प्रतिपक्ष की जरूरत होती है जो है नहीं, लिहाजा चयन समिति की बैठक कैसे हो। 3 साल तो इसी पेंच को उलझाकर काट दिए गए, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस के नेता को शामिल कर लोकपाल के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाए। यूपीए सरकार ने 16 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त कानून बनाया, लेकिन सरकार ने पहली बार 1 मार्च 2018 को सिलेक्शन कमेटी की बैठक की, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद 17 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर सरकार से ये कहना पड़ा लोकपाल की नियुक्ति में देरी ना की जाए। यानी एक तरफ कानून बने 4.5 बरस बीत चुके हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार से कहता रहा कि लोकपाल की नियुक्ति करो, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाली सत्ता इसे टालती रही। 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया कि वो 10 दिनों के अंदर ये बताए कि लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक पूरी की जाएगी। केंद्र सरकार ने आज की बैठक का ये हवाला देकर ये कह दिया कि नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, लेकिन आज की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला। यानी सुप्रीम कोर्ट को दिखावे के लिए सरकार ने सिलेक्शन कमेटी की बैठक भी की, लोकपाल का मसला फिर भी वहीं का वहीं अटका रह गया, क्योंकि लोकपाल की नियुक्ति तो दूर, अभी तक वो सिलेक्शन कमेटी ही नहीं बन पाई जो लोकपाल और बाकी सदस्यों के नाम को शॉर्टलिस्ट करेगी। यानी मान लीजिए 2019 के चुनाव तक देश को लोकपाल मिलने के कोई आसार नजर नहीं आते, लेकिन चुनाव में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने का जिक्र होगा जरूर और 5 साल की उपलब्धियां गिनाई भी जाएंगी। हाँ, लोकपाल पर खामोशी बरती जाएगी। दिल्ली से प्रशांत की रिपोर्ट। लोकपाल का मतलब यह है कि ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठे हुए शख्स को कहीं कटघरे में कोई शख्स खड़ा कर सकता है, तो लोकपाल की नियुक्ति इसलिए होनी थी। 12. लेकिन इस दौर में जो कुछ आर्थिक तौर पर हो रहा है उसके मद्देनजर कई नाम आपके जहन में आ सकते हैं। रघुरामन क्यों चले गए, अरविंद परगड़िया की जिक्र होता है, और अरविंद सुब्रमण्यम वो अब इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं है, लौट रहे हैं अमेरिका वापस, और जाने से पहले उन्होंने 2-3 जो बातें कही आर्थिक नीतियों को लेकर, चुनौती क्या है जरा सुनिए इसे।
आम आदमी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दैट शुड बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वो हमारी एस्पिरेशन होनी चाहिए. इकोनॉमी की साइज इज इम्पॉर्टेंट, बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज वॉट इज यू नो आम आदमी को क्या अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, क्या फैसिलिटीज मिलते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्कूलिंग, ये सब, वो सब आई थिंक वी शुड बी फोकस्ड ऑन दैट. अभी जो है कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में काफ़ी प्रेशर्स आ रहे हैं, तेल की दाम फिर से बढ़ी है, ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं, तो उससे हमारी इकॉनमी तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बट वी हैव टू मैनेज द इकॉनमी केयरफुली. बहुत तेरे सवाल है, जिक्र हुआ था जब पद छोड़ने की बात हुई तो उनसे पूछा गया था, उन्होंने कुछ खास नहीं कहा था, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो हर बरस आता है उसको लेकर उन्होंने कुछ हिंट दिए थे, आंकड़े से क्या कैसे खेल किया जा सकता है. बहरहाल उसे छोड़िए, आज एक ऐसा दिन है जिस दिन इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इंदिरा गांधी ने किया था 1969. सोचिए 49 बरस हो गए, उस वक्त राष्ट्रीयता थी, आज प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है. मतलब मायने क्या है, रिपोर्ट देखिए. तो आज ही के दिन 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था. जी, नेशनलाइज हुए थे बैंक, और उस वक्त राष्ट्रीयता का भाव उफान पर था, क्योंकि 14 बैंकों के पास देश की 70% पूंजी थी, और इनमें जमा पैसा उन्हीं सेक्टरों में निवेश किया जा रहा था जहां फायदे के ज्यादा मौके थे. लेकिन 49 बरस बाद राष्ट्रीयता के भाव पर निजीकरण का भाव हावी है. पर निजीकरण के जरिए भी राष्ट्रीयता कैसे दिखाई जाती है, ये बार बार दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है. हालांकि इस दौर में बैंकों की हालत खस्ता है, लोगों को समझ नहीं आ रहा उनकी गाड़ी कमाई के पैसे से अगर बैंकों को उबारा जा रहा है तो फिर इस बात की गारंटी क्या, बैंक अब सही रास्ते पर आ जाएंगे. क्योंकि बैंकों का सच तो यह है कि बैंकों को लेकर जिम्मेदारी किसी की दिखती नहीं. 2,11,000 the capital which is intended to be now inducted further into the banks. लेकिन लोगों की कमाई से बैंकों की रईसी पुरजोर जारी है. एक दिन पहले ही सरकार ने 5 बैंकों की रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करने के लिए 11,336 करोड़ का बेलआउट पैकेज देने का ऐलान किया. सरकार आने वाले दिनों में 53,664 करोड़ की पूंजी बैंकों को और देगी. और जिस बैंक में सबसे ज्यादा बड़ा घोटाला हुआ, यानी पंजाब नेशनल बैंक, उसे सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा 2,816 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी. इलाहाबाद बैंक को 1,790 करोड़ रुपए, आंध्र को 2,019 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक को 2,157 करोड़ रुपए और कॉरपोरेशन बैंक को 2,555 करोड़ रुपए की पूंजी मुहैया कराई जाएगी. लेकिन मसला ये नहीं कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उन बैंकों को सुधारने में लगाया जा रहा है जिनके ट्रैक पर आने की कोई गारंटी नहीं. मसला तो यह है कि सत्ताधारियों के इशारे पर कॉरपोरेट उद्यमियों को बैंकों से लोन मिलता है जिसे वो लूटते हैं. और मसला यह है कि बैंक आम आदमी के भरोसे का है या नहीं, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक ने ही 2017-18 में अपने 1,23,00,000 बचत खाता धारकों से मिनिमम बैलेंस न रखने पर 151,66,00,000 रुपए की पेनल्टी वसूल ली. यानी गरीब जनता की जेब पर सीधा डाका. लेकिन बैंक ये गारंटी देने की स्थिति में नहीं उनके भीतर किसी तरह फ्रॉड रुक जाए. आलम यह है कि सिर्फ 2017 में 12,553 फ्रॉड हुए जिनसे बैंकों को 18,170 करोड़ रुपए का चूना लग गया. जो एनपीए मनमोहन सरकार के वक्त 2,25,00,000 करोड़ का था वो आज 10,25,00,000 करोड़ का हो चुका है. लेकिन सफाई के नाम पर सरकार क्या कहती है ये भी देखिए. हमारी तरफ से ये तर्क दिया जाता है ये लोन तब दिए गए कि जब आपकी सरकार थी. आपकी तरफ से कई बार कहा जाता है कि भाई इनकी संख्या कैसे बढ़ गई. संख्या इसलिए बढ़ गई कि जो लोन उस वक्त के दिए हुए थे उसमें ब्याज बढ़ता चला जा रहा है. हद तो ये कि बैंकों का 70% एनपीए कॉर्पोरेट की देन, और कॉर्पोरेट कैसे हजारों करोड़ लेकर फुर्र हो जाता है ये विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी या मेहुल चौकसे जैसे चेहरों के साए में आसानी से पढ़ा जा सकता है. वैसे निजीकरण की राह चल पड़ी भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री सिर्फ ग्राहकों के लिए मुसीबत नहीं बन रही, कर्मचारियों के लिए भी बन रही है. सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने फंड ना होने के चलते सिर्फ 2% इंक्रीमेंट की बात इस वर्ष कही, जिसके विरोध में 30 मई को 48 घंटे की हड़ताल भी हुई.
और अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मर्ज हुए एसोसिएट बैंकों के 70,000 कर्मचारियों से नोटबंदी के दौरान ओवरटाइम का पैसा लौटाने को कह दिया। अच्छी बात सिर्फ इतनी हुई कि बैंकों में जमा ग्राहकों के पैसे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने विवादित FRDI बिल वापस लेने का फैसला कर लिया। बावजूद इसके इतना तय, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान NPA से लेकर घोटाले और घोटालेबाजों के भागने तक तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को कटघरे में जरूर खड़ा करेगी। तो फिर आखिर में याद कर लीजिए, आज ही का दिन था 49 बरस पहले जब इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और आज ही तमाम विपक्षी दल मसौदा तैयार कर रहे हैं कल विश्वास प्रस्ताव के दौरान बैंकों को लेकर वो क्या कहेंगे। स्थितियों को संभाला ना जाए तो कैसे स्थिति बिगड़ती चली जाती है, इसकी एक पहचान है व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति। जी, दूध को लेकर 70 के दशक में क्या कुछ हुआ और मौजूदा वक्त में क्या हो रहा है, गड़बड़ियां कहां पर है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। और संयोग ऐसा है कि आज महाराष्ट्र की सड़कों पर सिर्फ दूध ही दूध इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि किसान की जिंदगी पर दूध की कीमत भारी पड़ गई। तो कहीं किसानों ने सड़कों को दूध से नहला दिया तो कहीं दूध से खुद ही नहा लिया। जो गाय दूध देती है उसे भी दूध से नहला दिया। तो कहीं किसानों ने दूध की होली तक खेल ली। तो कहीं आंदोलनकारी किसान ने दूध के टैंकर में आग तक लगा दी, और यह सब बीते 4 दिनों से जारी है। पालघर, बीड़, बुल्ढाना, पांडरपुर, सांगली, सोलापुर समेत कई जिले ऐसे जहां किसान दूध का दाम 5 रुपए ज्यादा मिलने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, यानी ज्यादा चाहते हैं वो। 40 ते 50 लीटर दूध है, तर आता हे दूध आंदोलन चालू आहे। दूध आंदोलन चालू करण्याचा शेतकऱ्यांचा एकच उद्देश, इकडे वाढलेले खाद्याचे दर, आणखी घसरलेले दुधाचे दर, त्यामुळे हा शेतीधंद्याबरोबर दुग्ध व्यवसाय हा शेतकऱ्यांना परवडणार। आज दूध दर आंदोलनामुळे आम्हाला असा प्रश्न पडला की ह्या दुधाचं करायचं काय। और देश का सच तो यह है कि एक तरफ बोतल बंद 1 लीटर पानी 20 रुपए में मिलता है और दूसरी तरफ 20 रुपए से कम की कीमत किसान के 1 लीटर दूध की आंकी जाती है। ऐसे में सच तो यह है कि एक तरफ फुल क्रीम दूध 46 से 48 रुपए और टोन मिल 40 रुपए तक का मिलता है, पर इसकी एवज में किसानों को क्या मिलता है, उसे मिलता है प्रति लीटर सिर्फ 17 से 20 रुपए। और राज्य सरकार ने गाय के दूध पर 27 रुपए प्रति लीटर कीमत देने का ऐलान किया था। किसान चाहते थे उन्हें प्रति लीटर 5 रुपए सब्सिडी मिले, साथ ही मक्खन और पाउडर मिल्क पर भी GST में छूट दे दी जाए, लेकिन मांगे पूरी हुई नहीं तो किसान आंदोलन की राह पर निकल आए और अगुवाई कर रहे हैं स्वाभिमानी शेतकरी संगठन। जी, राजू सेठी सियासत भी करते हैं, लेकिन किसानों को एकजुट उन्होंने पहली बार किया है, और उसी का नजारा है कि सड़क के रास्ते गुजरात और दूसरे राज्यों से मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों में पहुंचने वाले दूध के टैंकरों को या तो रोक दिया गया, और जो रुकने को तैयार नहीं हुए उन्हें फूंक दिया गया, यानी किसान उग्र है। और इन सब के बीच राज ठाकरे की पार्टी MNS ने भी समर्थन दे दिया। ए राजा, इधर अमूल का दूध खाली नहीं करने का कोई भी लोग बोल देता मामा, अमूल का दूध इधर खाली नहीं करने का। अरे भाई, अगर लाया ना अमूल का कोई भी कैरेट या दूध, ध्यान में रख लेना, गाड़ी पूरा तोड़ डालेंगे। और धीरे धीरे किसान आंदोलन का असर अब पुणे जैसे बड़े शहरों में दिखाई देने लगा। दूध पहुंच नहीं रहा, पुराना स्टॉक खत्म होने के कगार पर। आज दूध मिला क्या तुमको? जी नहीं सर, दूध नहीं मिला है। फिर ये जो पहले वाला कल का है उसी से चल रहा है? ये कल का ही दूध है। दूध है, कस्टमर आ रहे हैं दूध के लिए? कस्टमर तो आ रहे हैं, लेकिन सर दूध नहीं मिल पा रहा है। यानी मुश्किलें बढ़ रही हैं। और दुग्ध क्रांति का असर यह कि चौथे दिन सरकार बात करने को तैयार हो गई, लेकिन सिर्फ बात की है, हल क्या निकला यह भी सवाल। मैं आशा करता हूँ इसमें कुछ सकारात्मक निर्णय होगा, ये इसमें कुछ हल निकलेगा, नहीं निकलेगा तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री से बात होगी और बात कहां तक पहुंचेगी यह भी यक्ष प्रश्न, लेकिन अभी के हालात यह है कि गुजरात से आने वाले 16,000 लीटर दूध को किसानों ने सड़क पर रोक रखा है। अब तक 7,000 से ज्यादा आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया जा चुका है। सिस्टम गलत या फिर पॉलिसी नहीं,
या फिर पॉलिसी है लेकिन सियासत का मूड कुछ और, या फिर सियासत के लिए सब कुछ हो रहा है। ऐसे बहुत तेरे सवाल आपके जहन में आएंगे जो दूध का सवाल हम उठा रहे थे। लेकिन इस देश में करप्शन को लेकर जितने भी बड़े बड़े मामले हैं वो सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई के दो बड़े अधिकारी गुत्थम गुत्था हैं, आपस में एक दूसरे पर कहीं ज्यादा भयावह आरोप लगाते हैं, लेकिन सीबीआई के पास मामले दर मामले पहुंचते चले जाते हैं। तो आइए जरा हाल देख लीजिए, कितने मामले इस प्रीमियर जांच एजेंसी के पास। तो जिस दौर में सीबीआई निदेशक और विशेष निदेशक आपस में इस तरह गुत्थम गुत्था हैं कि दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहा रहे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, उसी दौर में भ्रष्टाचार के मामलों को सुलटाने के लिए देश की निगाह सीबीआई पर ही टिकी, क्योंकि कल ही जितेंद्र सिंह ने संसद में जानकारी दी 2015 में 617, 2016 में 673 और 2017 में 632 मामले सीबीआई के पास आए, और तो और 2018 के पहले 5 महीनों में ही 318 मामले सीबीआई ने दर्ज किए हैं। लेकिन सवाल संख्या का नहीं निपटारे का है, और सवाल सीबीआई की उस साख का है जिसमें सीबीआई के दो दो निदेशकों पर खुद सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा और एपी सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक रोकथाम कानून के तहत जांच चल रही है, और इतना ही नहीं बीते 5 बरस में सीबीआई के तकरीबन 25 अधिकारी करप्शन के आरोपों में घिरे। तो सवाल यह है कि जिन हालातों में सीबीआई भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रही है या जांच करेगी, ऐसे में जब सीबीआई के भीतर ही करप्शन की बात सीबीआई के भीतर से ही निकल कर आती है तो फिर क्या माना जाए? क्योंकि सच तो है कि सीबीआई पर सत्ता के पिट्ठू होने का आरोप सुप्रीम कोर्ट तक ने लगाया है और वो आज भी है। सीबीआई अब भारतीय जनता पार्टी की पिट्ठू फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। इन सब के बीच देख लीजिए कौन कौन से बड़े मामले सीबीआई के पास हैं, जिन्हें लेकर अरसे से देश इंसाफ के इंतजार में है। मसलन उन्नाव रेप केस, पीएनबी स्कैम, विजय माल्या, व्यापम, बीएसपी शासनकाल में 21 चीनी मिलों की बिक्री के मामले की जांच, एयर एशिया लाइसेंस मामला, बिहार का सृजन घोटाला, कोयला घोटाला, एयरसेल मैक्सिस घोटाला। तो सच यह है कि सामान्य मामलों की जांच में सीबीआई का रिकॉर्ड यह है कि आज तक 8000 से ज्यादा केस पेंडिंग है और 2000 से ज्यादा मामलों की तो जांच अभी तक शुरू भी नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी सीबीआई के डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर का अहंकार आपस में टकरा रहा है, और सीबीआई ही देश की ऐसी प्रीमियर जांच एजेंसी है जिसके भरोसे सैकड़ों मामले लगातार करप्शन से जुड़े हों या फिर दूसरे इकोनॉमिक ऑफेंस से, सारे मामले सीबीआई के पास आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं। जाहिर है इन रिपोर्ट्स को देखकर यह सवाल तो रहता है कि ऐसा ही सिस्टम है, सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा और इसमें क्यों फंसना, वाकई नहीं फंसना चाहिए। अब हम आपको राजस्थान लिए चल रहे हैं दिखाने के लिए कि इस देश के भीतर जो मूक बधिर बच्चे होते हैं उनके लिए एक स्कूल कॉलेज आप खोल देते हैं, उन्हें पढ़ाएगा कौन? आप कहेंगे शिक्षक पढ़ाएगा, तो चलिए वहीं चलते हैं। चुनावी बरस है और चुनावी तोहफों का दौर, और इसी दौर में एक शगुफा मूक बधिर छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी खोलने का। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर बने इस सरकारी मूक बधिर कॉलेज में। इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजस्थान के जयपुर में गवर्नमेंट कॉलेज में चलने वाले मूक बधिर बच्चों के सेक्शन में। इस कॉलेज में 280 से ज्यादा मूक बधिर छात्र हैं। मूक बधिर छात्र साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, विडंबना देखिए कॉलेज में एक भी शिक्षक साइन लैंग्वेज जानता ही नहीं। बच्चों को पढ़ाने का वैसे कोई खास एक्सपीरियंस आपको? नहीं, इससे पहले तो नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद में जानकारी ली है और कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा ये है कि संवाद की थोड़ी दिक्कत आ रही है, हर चीज लिख के और इनसे लिखवा कर बातचीत हो रही है पिछले कई दिनों से। यानी मूक बधिर कॉलेज का पहला सत्र 2014-15 में शुरू हुआ, लेकिन यहाँ अभी तक एक भी अस्थायी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। कॉलेज शिक्षा निदेशालय से प्रतिनियुक्ति पर आए शिक्षकों के बूते चल रहा है, जिन्हें मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने का कोई अनुभव ही नहीं है। हमारे पास इंटरप्रेटर जो है उनको, साइन लैंग्वेज में जो इंटरप्रेटर है उनको हम रखते हैं, और वो क्लास में अवेलेबल होते हैं टीचर के साथ में, कि इंटरप्रेटर के थ्रू हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होती हैं कि हम बच्चे क्या बोल रहे हैं और हम तक क्या बात आती है। और मूक बधिर जुबां से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनकी समस्याएं तो हैं।
और जब हमने उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की तो देखिए उन्होंने पूरा ब्लैकबोर्ड भर डाला। अब इन्हीं बच्चों से हम पूछेंगे कि आखिर आप लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। हम देख सकते हैं समस्याएं जब पूछी तो इस बच्चे ने लिखा कि मूक बधिर संस्थान में एक तो एमए यानी पीजी की फैसिलिटी नहीं है, पीजी करने के लिए बच्चे जाएं कहाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है। इसके अलावा अध्यापक इनके जो इशारे यानी इंटरप्रिटेटर जो होते हैं वो सुविधा नहीं है, क्योंकि जैसा हमको बताया गया इंटरप्रिटेटर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर लिए जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही वो चले जाते हैं। बीए थर्ड ईयर के बारे में इस बच्चे ने लिखा कि कंप्लीट है, तैयार है, लेकिन सरकार का गिव नहीं, रोजगार के अवसर नहीं मिलते। हालांकि साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं है लेकिन कई सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं। उपाध्याय साहब क्या कहना है हरिशंकर का? ये विद्यार्थी बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने थर्ड ईयर कोर्स पास कर लिया है, अब इनको फ्यूचर में क्या करना है ये इनको पता नहीं है कि बीएड करना है, पीजी के लिए अपॉर्चुनिटी है या इनको ये काम करने के लिए ये स्वरोजगार या रोजगार के अवसर हैं, ये इनको अभी जानकारी नहीं है। भले सरकार के दावों में देश में रोजगार की बहार है लेकिन इन छात्रों को नहीं मालूम इन्हें कैसे रोजगार मिलेगा। जयपुर के इस कॉलेज में कई शहरों के बच्चे पढ़ने आते हैं लेकिन उनके लिए हॉस्टल तक की सुविधा नहीं है और इस बारे में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के पास सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं। समाज कल्याण विभाग को इसके हॉस्टल के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, नए पदों का सृजन करने का जहाँ तक सवाल है उसके लिए भी फाइनेंस के अंदर हमारी फाइल्स हैं और बहुत शीघ्र ही उसको भी सैंक्शन करेंगे। तो कैसे खुलेगी मूक बधिर के लिए यूनिवर्सिटी जब एक कॉलेज चलाने की सहूलियत सरकार के पास नहीं, या फिर राज्य सरकार मूक बधिरों के साथ भी चुनावी खेल तो नहीं खेल रही, यानी वादों का खेल हो सकता है। एपी न्यूज के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट जयपुर से। अक्सर ऐसा होता है इस देश के भीतर नेताओं में होड़ रहती है कि हम उद्घाटन करेंगे, पहले हम करेंगे, नहीं भी काम पूरा हुआ होता है तो भी उद्घाटन का जिक्र हो जाता है, लेकिन हम आपको जो रिपोर्ट दिखला रहे हैं उद्घाटन के लिए एक इमारत बनकर तैयार है, वह भी और कहीं नहीं, मथुरा वृंदावन जाइएगा, वहां के दर्द को सड़क पर आप देखिएगा, दर्द क्या है और इमारत क्या है, रिपोर्ट देखिए। तो मथुरा वृंदावन जाइएगा तो शहर में बिखरी हुई विधवाओं की यह स्थिति कमोवेश आपको हर जगह देखने को मिलेगी। कृष्ण की नगरी है और विधवाओं की मौजूदगी जिस हालत में यहां होती है वो बेहद त्रासदायक है और आंकड़े भी बतलाते हैं कि मथुरा वृंदावन में तकरीबन 12,000 से ज्यादा विधवाएं रहती हैं और इनमें से करीब 1,300 तो ऐसी जिनके पास कोई आशियाना नहीं। तो आइए आपको दिखलाते हैं देश का सबसे बड़ा विधवा आश्रम जो वृंदावन में ही बनाया गया है और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ही बनाया है। नाम भी आश्रम को कृष्णा कुटीर का दिया गया है पर यह खाली पड़ा है। खाली क्यों पड़ा है इसे जानने से पहले 1.3 हेक्टेयर जमीन पर फैले आश्रम की भव्यता को देख लीजिए, समझ लीजिए। 100 कमरे जिसमें 1,000 महिलाओं के रहने की व्यवस्था, आश्रम में महिलाओं के लिए खास डाइनिंग हॉल, अलग से मंदिर भी, वाटर कूलर से लेकर हीटिंग सिस्टम और कॉलबेल सुविधा से मिनरल वाटर तक, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फायर सेफ्टी सिस्टम है, महिलाओं के लिए डिस्पेंसरी की अलग व्यवस्था है, वोकेशनल ट्रेनिंग हॉल और ओपन एयर थिएटर की भी व्यवस्था। इसकी कुल लागत 55 करोड़ आई है। सरकार द्वारा बनाया हुआ ये अपनी तरीके का पहला इतना बड़ा विधवा आश्रम है जिसमें 1,000 महिलाएं एक साथ रह सकती हैं। तो बनाया गया है पर खाली पड़ा है, यानी जिस शहर में 1,300 विधवाओं के पास छत नहीं वहां 1,000 महिलाओं के लिए बना विधवा आश्रम खाली पड़ा है। ये बेड गद्दा पूरी फैसिलिटी से सुसज्जित किया गया है, पंखा लाइट की प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। तो आश्रम बनकर तैयार है पर अभी तक किसी को नहीं पता आश्रम का संचालन कैसे, कौन, कहां करेगा। और उससे भी आगे की बात, आश्रम का उद्घाटन करने के लिए किसी सत्ताधारी के पास वक्त ही नहीं है।
पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जैसे तैसे भवन तैयार हो चुका है और ये इतना पुरसा हाल है सरकार का कि इसका कोई उद्घाटन करने को तैयार नहीं है। ये दर्शाता है कि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कितनी संवेदन शून्य है विधवा महिलाओं की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो ये चाहती है कि वृंदावन में राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन्होंने प्रधानमंत्री से समय मांगा है, लेकिन प्रधानमंत्री पर समय ना होने के कारण आज तक उस विधवा आश्रम का सुचारू रूप से संचालन नहीं किया गया है। विधवा माएं वहां जाती हैं तो उनको रोक दिया जाता है। यानी सैकड़ों महिलाएं भले दर दर भटकती रहे, लेकिन क्या उन्हें आश्रम की चार दीवारी तभी नसीब होगी जब किसी नेता के पास वक्त होगा, और वक्त होगा तो उद्घाटन करेगा, उद्घाटन करेगा तो ताला खुलेगा, ताला खुलेगा तो फिर छत नसीब हो जाएगी। पर वृंदावन मथुरा में टहलती घूमती विधवा महिलाओं को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वृंदावन में एक कृष्ण कुटीर के नाम से एक आश्रम बनना है, 1000 माएं जिसमें रह सकती हैं, क्या आपको जानकारी है उसकी? हमें नहीं बेटा जानकारी, सुनत रहा है ये आश्रम, मतलब हमें जानकारी नहीं। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, मैं बाहर घूमते भी नहीं, जानते नहीं मैं। वैसे सरकार इस आरोप से इनकार करती है कि आला नेताओं के पास वक्त देने के ना चलते आश्रम का उद्घाटन नहीं हो पा रहा। अलबत्ता छोटी छोटी कमियां वो बतला देते हैं, लेकिन इसमें ओल्ड एज फ्रेंडली होम के लिए कुछ फीचर्स मिसिंग थी, वो सब जल्दी शीघ्र पूर्ण करेंगे, तत्पश्चात शिफ्ट हो जाएगा। हमारी जो प्रमुख सचिव हैं केंद्र सरकार की, वो भी यहाँ मीटिंग ले रही हैं और हम प्रयास करेंगे जल्दी ये शुरू हो जाए। तो कमियां कब कैसे दूर की जाएगी कहना मुश्किल, क्योंकि उद्घाटन की कोई तय तारीख नहीं, और जब तक उद्घाटन न होगा तब तक कृष्ण की नगरी में कृष्णा आश्रम खाली ही पड़ा रहेगा। बनाइए कोई उद्घाटन करने वाला मिल ही जाए। अनिल सारस्वत, एपी न्यूज, मथुरा। और मनाइए कि 2019 से पहले मिल जाए। एक दूसरी रिपोर्ट दिखाते हैं, अगर फर्जी चाहिए कुछ भी से मतलब है सर्टिफिकेट से, तो मेरठ आइए, रिपोर्ट देखिए। असल जिंदगी में हरमनप्रीत क्लीन बोल्ड हो गई, वह भी एक फर्जीवाड़े की गेंद से। दरअसल हरमनप्रीत की ग्रेजुएशन की मार्कशीट फर्जी निकली और पंजाब पुलिस में मिला डीएसपी का दर्जा उससे छीन लिया गया। डिग्री चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की थी और कड़ी से कड़ी मिलनी शुरू हुई तो तार मेरठ तक जा पहुंचे और सारे खेल का पर्दाफाश हो गया। लोगों का गैंग है जो बेरोजगार आदमियों की या ऐसे जरूरतमंद लोगों को, जिनको किसी काम के लिए तुरंत डिग्री की आवश्यकता है, उनकी फर्जी डिग्रियां इस तरह बना के उन्हें पैसे में बेच रही। जी, दर्जनों नहीं सैकड़ों डिग्रियां हैं, बिल्कुल असली। आम आदमी तो फर्क ही ना कर पाए, तो पूरा रैकेट शिक्षा माफिया। और ये जो 5 लोग पकड़े गए, ये तो सिर्फ प्यादे हैं। असली गुनहगार रूप सिंह तो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, और हो सकता है उसके ऊपर भी और कोई हो, क्योंकि फर्जी डिग्रियों का ये खेल आज से नहीं चल रहा। सालों से ये गैंग फर्जी डिग्रियां बांट रहा है और अब तक 10,000 से ज्यादा फर्जी डिग्रियां बांट भी चुका है। जो इनके पास फर्जी मिली है वही कम से कम 100 के आसपास है, तो 100 से ज्यादा ही होंगी। लगभग हमें लगता है 10,000 के आसपास ये इस तरह के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।